दोस्तों आज हमारे पास जियोनी का मोबाइल है और ये मोबाइल है जियोनी S5.5। इसमें हमारा पैटर्न लॉक लग गया है, जिसको हम किस प्रकार से ओपन करेंगे ये हम आपको आज बताएंगे। तो हम आपको उससे पहले चेक करा देते हैं कि हमारा ये मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया और ये हमारा पैटर्न मांग रहा है। हम इसको लगाकर भूल गए हैं, तो हम इसको किस प्रकार से ओपन करेंगे ये हम आपको ये बताते हैं। ये देखिए रॉन्ग पैटर्न के लिए बोल रहा है, हम किस प्रकार से इसको ओपन करेंगे ये हम आपको आज जानकारी देंगे। ये देखिए हमने इसको लगाकर हम भूल गए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा। हमने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद में दोस्तों हमें हमारे मोबाइल की वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर और पावर बटन को दबाना है। जैसे हम ये दबाएंगे हमारा ये जियो नहीं आएगा, हमें पावर बटन को हटाना है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे हमारा ये लोगो आ जाए, हमें पावर बटन से हाथ हटा लेना है और वॉल्यूम बटन को दबा कर रखना है। हमारे सामने इस प्रकार की ये स्क्रीन आ जाएगी। हमें क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे आना है और वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट पर जाकर पावर बटन का हमें यूज़ करना है। ऑन ऑफ स्विच से हम इसको करेंगे, हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। हमें वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे आना है, डिलीट ऑल यूज़र डाटा और हमें ओके करना है हमारे ऑन ऑफ स्विच से, पावर बटन से। जैसे दबाएंगे हमारे सामने ये प्रोसेस चलेगी। ये देखिए हमारा ये लॉक अनलॉक हो चुका है। अगर आपको हमारे डाटा को भी रिमूव करना है, सारे डाटा को भी इरेज करना है, तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन से आकर वेब कैच पार्टीशन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पावर बटन का यूज़ करेंगे, तो हमारे जो भी डेटा है फ़ोन के अंदर वो सारा इरेज हो जाएगा। और हमारे सामने आ रही है रिबूट सिस्टम नाउ, तो आपको पावर बटन से इसको प्रेस करना है और हमारा मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा। और अब हमें वेट करना है। इसमें देखिए दोस्तों, हमारी 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि हमारा मोबाइल फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है, तो आपने केवल वेट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल ऑन
ओपन हो चुका है और ये हमारे वेलकम मैसेज आ गया। हमें यहाँ से हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें। हमने इंग्लिश कर लिया, अब हमें नेक्स्ट करना है। स्किप के लिए बोल रहा है स्किप, फिर स्किप करना हमें, स्किप एनीवे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये देखिए हमारा ये डेस्कटॉप आ चुका है, अब हम जो भी चाहें इसमें यूज में ले सकते हैं। हम आपको मॉडल बता देते हैं कौन सा ये, चेक करा देते हैं। हम सेटिंग में गए, हम ऑल सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, और ये देखिए हमारा मॉडल है जियोनी S5.5। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे जियोनी S5.5 का पैटर्न लॉक अनलॉक किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भविष्य में और भी बेहतर जानकारी आपको दे सकें।